हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस मुझे पता है मैं बहुत देर बाद आया हूँ अपनी वीडियो बैक लेके, लेकिन गाइस मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ, नई वीडियो बिल्कुल गाइस न्यू कंटेंट के साथ। गाइस आपको पता है 2 महीनों की छुट्टियाँ हुई हैं सबको, हर बच्चे को हुई हैं गर्मी की वजह से, तो गाइस मुझे भी हुई हैं। तो गाइस मुझे तो चले हैं शॉप के ऊपर, आप भी मुझे बताना कि आप लोग सब किधर हैं। गाइस सो सॉरी इतनी लेट वीडियो पोस्ट करने के लिए, लेकिन गाइस फिर भी आप इस वीडियो को एंजॉय करना। ये गाइस हमारा कैमरा क्वालिटी बेटर हो गई है वेट के बाद। तो गाइस आज की वीडियो में आपको और भी मजा आने वाला है। गाइस आज हमारे साथ हैं हमारे मारून भाई, मारून नहीं हम कहते हैं, नहीं मारून गाइस, ये मतलब एक डीलर टाइप है, मतलब जैसे कहते नहीं है कॉन्ट्रैक्टर उस टाइप है, आपको समझ लगी होगी, अगर नहीं समझ लगी तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ये गाइस जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था एक दो बार ब्लॉग में पहले भी कि हमारी ये पंप पे शॉप है, पीछे सारा पंप आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ी पंप पे शॉप है उधर। गाइस मतलब आजकल मैं होता हूँ, किसी को मुझे मिलना हो तो कोई मसला नहीं आ सकता, आपको मैं दे दूँगा कमेंट बॉक्स में आपको उसका, मुझे पता है ना तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं वैसे ही दे दूँगा। ये गाइस गाइस सबसे पहले हम आपको अपना शॉप का बैकग्राउंड दिखाएंगे, आगे से ब्लॉग इंशाल्लाह डेली ब्लॉग्स आया करेंगे और ब्लॉग भी शॉप पे आया करेंगे। अरे सबसे पहले ये हमारा स्टोर वाला गेट है, जी हाँ गाइस ये देखें स्टोर वाला गेट है ये वाला। उसके बाद गाइस स्टोर वाले गेट के बाद गाइस इस तरफ एक दीवार है, ये वाली दीवार है गाइस। उसके बाद देखिए गाइस हम लोगों ने थोड़ा मतलब कचरा वगैरह जो रखते हैं ना वो रखा हुआ है, ये देखें कचरा वगैरह रखा हुआ है। उसके बाद ये सारा एरिया पंप का ही है, मेरे अलावा गाइस बाकी सारा एरिया पंप का ही है। ये देखें गाइस फ्रिज पड़ी हमारी, ये देखें गाइस एक फ्रिज है, तीसरी वो चौथी। गाइस ये शॉप के एंट्रेंस वाला गेट है। जी हाँ गाइस मुझे पता है ब्लॉग काफ़ी देर बाद आया, लेकिन गाइस फिर भी वाला ब्लॉग मैंने सब अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए फुल एंटरटेनमेंट का वाला बना सकूँ। लेकिन उधर भी गाइस थोड़ा बहुत गंद वगैरह पड़ा है, उस तरफ भी वो एक गाड़ी सी है वो देखें गाइस, देखें उधर शवारमे वाली रेडी टाइप जिसे कहते हैं वो चीज़ है। गाइस के बाद उस सामने पंप की थोड़ी बहुत पार्किंग है, उस तरफ भी ट्रक्स वगैरह खड़े हैं, वो गाइस सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। जी हाँ गाइस, और गाइस आपने मुझे बताना है मैंने कैमरा क्वालिटी में वर्क किया तो इस बार आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है वीडियोस की, और गाइस अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है वीडियोस की तो मुझे बताना जरूर में, क्योंकि गाइस आगे से हम थोड़े से मतलब जिसे कहते हैं ना कि थोड़े से अपर चीज़ें वो भी गाइस हम अच्छी कर रहे हैं करेंगे, मतलब इस बार आपसे व्लॉग की क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करेगी, आपने बस वीडियो को एंजॉय करते रहना। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं किधर जाना चाहिए मुझे व्लॉग बनाने के लिए, या कैसे व्लॉग बनाने चाहिए। ये गाइस इधर तो मैं ज़रा अंदर से थोड़ा सा बाहर आया था व्लॉग बनाने के लिए, तकरीबन बनाएंगे हम इधर तकरीबन हमारा 7-8 मिनट का व्लॉग इनफ है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चले गाइस मैं आपको अपने पीछे ले जाता हूँ, अपने पीछे मतलब अपनी दुकान के बैक साइड गाइस इधर ताला लगा हुआ था ये मैंने खोल दिया, ये देखें इधर गाइस ये इधर माल चाल पड़ा है, आप देख सकते हैं गाइस ये सारा माल है, इधर कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं गाइस, ये जो कुर्सियाँ शुर्सियाँ हैं ना सबर भी बैठ के देखा देता हूँ गाइस, अरे जो कुर्सियाँ शुर्सियाँ ये हम लोग निकालते हैं शाम टाइम भाई, ताकि मतलब जो कस्टमर्स आते हैं वो इधर बैठ सकें। उसके बाद गाइस ये एक और हमारे पास फ्रिज है गाइस, आप आगे आपने मुझे गिन के बताया हमारी शॉप पर टोटल कितने फ्रिज थे, और गाइस उसके बाद ये ऊपर आप देख सकते हैं 16 प्लेट्स लगी हुई हैं, बस इनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा आपके कहने पे, अगर आप चाहते हैं फ्रिज इस पर मॉल पर हर चीज़ पर अगर आप चाहते हैं तो मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ सकता हूँ आपको, गाइस फ्रिज का सारा माल चाल दिखाऊँगा और मैनी मोर जो आप मुझे आगे से कहेंगे मैं वही करूँगा। और गाइस अब से इंशाल्लाह आप भी दुआ करना कि मेरे रोज़ व्लॉग आए करें, गाइस मैं भी फुल कोशिश किया करूँगा कि मैं रोज़ एक ना एक व्लॉग तो अपलोड कर सकूँ। ठीक है गाइस मैं आपको दिखा रहा था दमाल है, अरे वो देखें बोतल्स के खाली क्रेट पड़े हैं, इन्हें जाके देख लेते हैं। गाइस ये रहे बोतल के खाली क्रेट, ये बोतल के खाली क्रेट वगैरह, ये भी गाइस क्रेट से रेट है। और बस गाइस ये वाला जो रूम है ना, ये वाला जो गाइस रूम है, ये रूम है मतलब इसको लॉक लगा उसके अंदर हमारा सारा माल साल पड़ा होता है, जैसे आप कुछ भी मतलब जैसे आप ज़रूरी चीज़ होती है दुकान के अंदर हम नहीं रख सकते उधर रखते हैं। और उसके बाद ये देखें यहाँ पर हमारी एक सीढ़ी खड़ी है, मतलब ये मोटरसाइकिल अपनी है, मैं उधर गाइस मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। ये देखें गाइस ये अपनी बाइक है जिसके ऊपर हम लोग आते रहते हैं, मैं और मेरे चाचू होते हैं गाइस, मैं आपको अपने चाचू भी नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा किसी और ब्लॉक में। बाइक गाइस इधर एक बड़ा सारा जनरेटर लगा हुआ है, देखिए गाइस बड़ा सारा इधर जनरेटर लगा पड़ा है, मतलब अगर यहाँ पर 1 मिनट की लिमिट चली जाए तो समझे आप पता है आपको कि आप पेट्रोल नहीं डाल सकते, थोड़े से लोग जनरेटर उधर इधर मतलब एक रूम है जिसके अंदर मतलब आप मुसाफिर वगैरह बैठ सकते हो सकते हो। अच्छा ये था जनरेटर हमारा, ये देखिए जनरेटर टोटल इस तरह का है, इस तरह का है ये जनरेटर,
पास ये अगर ऑयल टैंकर पड़े हैं तो गाइस वो ब्रेकर चेक करें। तो गाइस इधर एक मोटर लगी हुई है, तो गाइस आपको पता है इस तरह वॉशरूम में हम जाएंगे नहीं। गाइस ये तीन चार मैंने बोर्ड देखे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये बोर्ड है बोझा नफी खराबी खराब है, फनी खराबी सब मतलब। गाइस आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये देखें इधर वक्फा ब्रांड नमाज है, ये वाला बोर्ड भी वक्फा ब्रांड नमाज है। क्योंकि गाइस जितना आपको पता है हम मुस्लिम हैं तो हमारे लिए नमाज पढ़ना कितना ज़रूरी है, इसी वजह से इधर नमाज के वाले टैग लगे हुए हैं। जब भी नमाज होती है तो ये बोर्ड उधर रख के आप लोग नमाज पढ़ने जा सकते हैं। ये सुने तो गाइस आप बताना मुझे आपको हमारी शॉप का व्यू कैसा लगा। तो गाइस सामने इधर गाड़ी चोरी वो देखें गाइस, सामने कितना बड़ा कंटेनर खड़ा है, दिख गया आपको दिखाता हूँ। वो देखें गाइस कितना बड़ा कंटेनर खड़ा है, ऐसे कंटेनर भी आते रहते हैं, ऐसे किसी कंटेनर पे भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। आपने गाइस मुझे पूछा था ना, तो गाइस मैंने बनाई है कि मैं मतलब वापस आ चुका हूँ बहुत देर के बाद, आपको मेरी शॉप का ओवरव्यू दिया है। बाकी गाइस इन चीज़ें हम आगे से करेंगे। गाइस आगे से अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कहीं किसी चैलेंज के लिए, कुछ खाने का चैलेंज, कुछ पीने का चैलेंज, ऐसे सारा कुछ करेंगे आगे से। ओके गाइस, और आपने मुझे बताना मेरा न्यू हेयर स्टाइल भी कैसा है, मुझे तो गाइस ये काफ़ी पसंद है। आप लोगों ने बताना आप लोगों को ये कैसा लगा। गाइस उसके बाद आपको ये तो पता है चैनल के साथ थोड़ी सी खराबी भी आ गई थी, उसकी वजह से मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था और मैं वीडियो नहीं बोल रही। गाइस आप वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को आपने लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि गाइस मैं मोटिवेट हो सकूं। जी हाँ गाइस, आपकी गाइस एक लाइक मुझे मोटिवेट कर सकता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर देते हैं। गाइस आपको याद था मेरा दांत टूट गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना दांत सेट करवा लिया। मतलब ये देखें कितना वाइट है बाकी से। और गाइस मुझे आप दें इस वीडियो में इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में बताना। आके गाइस मैं जा रहा हूँ शॉप की तरफ, एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।